दोस्तों आज है संडे और संडे दिन आपको पता है कि मैं आपके प्यारे प्यारे कमेंट को यहाँ पढ़ता हूँ और उसका रिप्लाई देता हूँ। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे बहुत सारा कमेंट को नहीं लिया है बल्कि जो इम्पोर्टेंट कमेंट है दोस्तों उसी को लिया हूँ ताकि आपको फायदा भी हो जाए, उस कमेंट से आपको कुछ नॉलेज भी हो जाए और आपको कुछ मदद भी हो जाए। तो ऐसे ही कमेंट को लेकर मैं आ गया हूँ और जिन लोगों का कमेंट में नहीं पढ़ूंगा, जिन लोगों का नाम नहीं लूंगा, तो चिंता नहीं कीजिए दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में जरूर आपका नाम लूंगा, इसलिए कमेंट करना नहीं छोड़िएगा, ठीक है। और दोस्तों एक इम्पोर्टेंट जानकारी आपको देना चाहता हूँ, मैं आज रात में 8 बजे लाइव आना चाहता हूँ। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं आज लाइव आऊं तो प्लीज आप कमेंट कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों अब संडे को ही मैं लाइव आने का मन बना लिया हूँ, ठीक है। सैटरडे को नहीं हो पा रहा है, कुछ काम हो जाता है, ठीक है। तो आप लोग कमेंट कीजिएगा तो आज मैं लाइव आऊंगा और हर संडे को 8 बजे फिर लाइव आऊंगा और कमेंट भी दिलवाएगा जो आज अभी अपलोड कर रहा हूं, ठीक है, समझिए पूरी बात। तो चलिए दोस्तों आज का जो है आपका कमेंट पढ़ना मैं शुरू करता हूं और देखता हूं सबसे पहला जो कमेंट है कौन मेरे भाई ने यहाँ पे किया है। ओके स्टार्ट करते हैं, तो चलिए मेरे साथ। तो दोस्तों पहला जो कमेंट हुआ है पीएन बिट्टू जी @ का, जो लिखते हैं कि सर मेरा 5 बिलियन सेल्स लॉगिन क्यों नहीं हो रहा है। सर ऐसा तो प्रॉब्लम नहीं है, लॉगिन तो हो रहा है, आराम से हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। हो सकता है आपके मोबाइल का नेटवर्क का इशू हो, और बाकी जो बात है कि अब क्या हो रहा है, क्या दिक्कत है, तो आप अपने व्हाट्सएप पे संपर्क कीजिए और वहाँ पे कुछ अपना स्क्रीन वीडियो बना कर भेजिए ताकि मैं देख पाऊँ क्या दिक्कत है, तभी मैं बता सकता हूँ। वैसे सब कुछ सही चल रहा है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका पीएन बिट्टू जी कमेंट करने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला जो कमेंट हुआ है जामोद विजय जी का, जो लिखते हैं कि सर विड्रॉल का ऑप्शन कब आएगा। सर जी क्षमा कीजिएगा, विड्रॉल का तो ऑप्शन अभी तो नहीं आया है और जब तक ये ट्रेडिंग शुरू नहीं हो जाता है मॉल 91 में तब तक विड्रॉल का ऑप्शन नहीं आएगा, समझ गए। क्योंकि वहां पर ट्रेडिंग कीजिएगा, अपना क्रिप्टो कॉइन को सेल कीजिएगा, जो प्रॉफिट होगा आपको उसी को आप निकाल सकते हैं, तब वहां पर विड्रॉल का ऑप्शन आएगा, ठीक है सर। तो बहुत बहुत शुक्रिया जामोद जी कमेंट करने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ठीक है दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला जो कमेंट हुआ है मुगल वॉचिंग जी का, जो लिखते हैं कि सर अगर पैसा विड्रॉ नहीं होगा तो कंपनी सेल ऑप्शन क्यों लाया है। सर सेल ऑप्शन कंपनी इसलिए लाया है ताकि आपको पहले से बता देना चाहता है कि अब जो है सेल कीजिएगा क्रिप्टो कॉइन को, तभी जा करके पैसा आपको मिलेगा, यानी जब ये ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म आएगा तो आपको वहां पर सेल करना होगा, यानी जहां पर सेल लिखा हुआ है वहां पर आप क्लिक कीजिएगा तो सीधे आप ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर चल जाइएगा जहां पर आपको क्रिप्टो कॉइन को सेल करना होगा, समझ गए, तब जाके वहां पे विड्रॉल का ऑप्शन रहेगा, वहां से पैसा आप निकाल सकते हैं जो भी आपका प्रॉफिट होगा। आगे हैं सतीश ब्लॉग जी, जो लिखते हैं कि मुझे 1000 टोकन मिला है, उसे कैसे यूज करना है। सतीश ब्लॉग जी भाई अब तो वही है कि जब आपको मिल गया 1000 टोकन तो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म शुरू होगा, वहां पे काम शुरू हो जाएगा ट्रेडिंग करना, तो आप वहीं यूज कर सकते हैं, समझ गए। मैं तो बराबर वीडियो में बोल चुका हूँ, बता चुका हूँ कि भैया जब तक ये नहीं आता है वो आपका ट्रेडिंग रहेगा, वो टोकन आपका रहेगा, आप तो प्लेटफॉर्म जो आएगा तो वहाँ पे आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों को कमेंट करने के लिए यहाँ पे, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला जो कमेंट हुआ है प्रकाश कुमार जी का, जो लिखते हैं कि गुड नाइट सर, मैं बता रहा था कि विंस 91 में बिजली का बिल भरने के लिए एक वीडियो बनाकर डालिए, सर कैसे बिजली का बिल भरा जा सकता है। सर प्रकाश जी बहुत बहुत धन्यवाद कमेंट करने के लिए और गुड नाइट, चलिए अभी तो फिलहाल गुड नाइट नहीं है, चलिए एडवांस में गुड नाइट। और विंस 91 नहीं बल्कि बिल्स 91 होता है, ठीक है, BILS बिल्स 91, जिससे बिजली का बिल हम लोग जमा कर सकते हैं, चलिए। और मेरे घर का बिजली बिल अब भरने का समय आएगा तो मैं वीडियो बना दूंगा, क्योंकि मुझे बिजली का बिल भरना होता है, चलिए इस मॉल 91 से ही भर के वीडियो बना के आपको दिखा दूंगा, ठीक है, तो वीडियो में लाऊंगा सर जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका प्रकाश जी कमेंट करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला जो कमेंट हुआ है विपिन पांडे जी का, जो लिखते हैं कि मैं बिड लाया अभी तक क्यों नहीं आएगा कि नहीं। सर बिड आपने लगाया, जब आप जीतेंगे तभी वो आएगा, हो सकता है आप हार गए होंगे तो देख लीजिए, अगर आप जीतेंगे तो आपको बिल्कुल मिलेगा, लेकिन हार गए हैं भैया तो नहीं मिलेगा। तो अब मुझे पता नहीं कि आप हारे हो कि जीते हो, है ना, तो वो तो भाई आप बताओगे तभी हो पाएगा। तो कुल मिला के बात यही है कि भैया जो लोग जीत जाता है उसको घर पहुंच जाता है, सभी लोग को पहुंचे, आपको भी पहुंचेगा अगर आप जीतेंगे तो। बहुत बहुत शुक्रिया आपका विपिन पांडे जी कमेंट करने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक दोस्तों आगे बढ़ते हैं। कमेंट हुआ दीपक शर्मा जी का, जो लिखते हैं कि सर कब चलेगा क्रिप्टो करेंसी, आपकी वीडियो कमाल की होती है सर। दीपक जी बहुत बहुत धन्यवाद सबसे पहले आपको, और सर कब चलेगा क्रिप्टो करेंसी,
तो सर ये तो कंपनी के ऊपर है, और कंपनी ने बोला है 31 मार्च तक सर समय दिया है, और देखिए क्या करने वाला है। वैसे अभी तो एक नया एयरड्रॉप लाया है जो अप्रैल में डिस्ट्रीब्यूट करेगा, तो भैया मैं तो नहीं बता सकता हूँ, ये कंपनी ही तय करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका दीपक शर्मा जी कमेंट करने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, हमारे कमेंट हुआ है ज्ञानेंद्र कुमार जी का, जो लिखते हैं कि मुझे 2 महीने का विड्रॉल लगाया हो गया, अभी तक नहीं आया है। सर बात सही है, मेरा भी नहीं आया है, मेरा भी तो शायद 4 महीना हो गया, 500 रुपया का मैं लगा हूँ मगर अभी तक नहीं पैसा मिला है। इंतजार कर रहा हूँ सर, और आप भी इंतजार ही करना पड़ेगा आपको भी, ठीक है। और आगे लिखते हैं कि रिचार्ज फेल हुआ है तो पैसे कट जाएगा या नहीं। सर रिचार्ज अगर फेल होता है तो पैसा, जब आप रिचार्ज करते हो तो पैसा तुरंत कट जाता है, और रिचार्ज फेल हो जाता है तो पैसा आ भी जाता है, रिफंड भी हो जाता है, ठीक है। तो चिंता नहीं कीजिए, पैसा डूबने वाला नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका ज्ञानेंद्र जी कमेंट करने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, और जो कमेंट हुआ सुधीर कुमार जी का, जो लिखते हैं कि सर जिसका मॉल में टोकन लिस्ट में नाम नहीं है आया है, उसका दोबारा से आएगा। सुधीर जी देखिए अभी अभी एयर ड्रॉप आया है, मैंने वीडियो आप सुबह में डाला था, प्लीज आप लोग देख लीजिएगा अगर नहीं आपने देखा है तो। जी हाँ, मॉल क्रिप्टो करेंसी एयर ड्रॉप पार्ट 2, मैंने वीडियो का टाइटल डाला है, थंबनेल भी वही है, देख लीजिएगा। तो जी हाँ, अभी मौका मिला है, अगर आपको नहीं मिला है तो जल्दी जल्दी, मैंने उस वीडियो में बताया है, उस वीडियो को फॉलो कीजिए जो मैंने बताया है, जल्दी जल्दी आप कर लीजिएगा तो आपको ये 5 क्रिप्टो क्वाइन मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको नहीं मिला है लेकिन अब फिर से मिल जाएगा, अगर अभी भी आप चुक गए तो भैया फिर तो नहीं मिलेगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया सुधीर जी, जाकर जल्दी वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कमेंट करने के लिए। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगला जो कमेंट है वो है अजय कुमार जी का, जो लिखते हैं कि सर जी विड्रॉ नहीं होने से मेरी पूरी टीम लेफ्ट हो गई है, उनका कहना है कि क्रिप्टो नहीं चाहिए, केवल कैश विड्रॉ चाहिए। अब आप बताओ मैं क्या कर सकता हूँ, कंपनी को दोनों ऑप्शन रखना चाहिए। अजय जी बिल्कुल रखना चाहिए, कंपनी को तो बहुत कुछ करना चाहिए, लेकिन दिक्कत यह है कि हम लोग की सोच से कंपनी चलती है ना, कंपनी अपने सोच से चलती है, वो जो रूल्स बनाते हैं, वो जो पॉलिसी बनाते हैं, उसके अनुसार हम लोग को चलना पड़ता है, और उपाय क्या है, और तो उपाय कुछ नहीं है। तो भाई जो लोग अजय जी के टीम को छोड़ के जा रहे हैं, क्विट कर रहे हैं, तो मैं उनसे बस यही विनती करना चाहूँगा कि मत जाओ सर, देखो क्रिप्टो क्वाइन का बेनिफिट देखो, आप यहाँ पे जुड़े रहो। अरे कुछ जा तो नहीं रहा है आपका, कुछ यहाँ पे गया भी नहीं है, तो फिर क्यों जा रहे हो, बने रहो आप, देखो कैसे आगे आपको बेनिफिट मिलता है, ठीक है। तो भाई बस मैं यही रिक्वेस्ट कर सकता हूँ अजय जी आपकी टीम से, तो भैया आप कंपनी जो करेगी वही करना होगा, आप तो क्या मैं बता सकता हूँ, क्योंकि मेरे हाथ में तो है नहीं, आउट ऑफ कंट्रोल, मतलब मेरे हाथ से तो बाहर का चीज़ है ना। तो चलिए बहुत बहुत शुक्रिया अजय जी कमेंट करने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगला जो कमेंट हुआ टेक्नोलॉजी कोहली जी का, जो लिखते हैं कि अब क्रिप्टो आने के बाद न्यू ज्वाइन कैसे करूँ। अच्छा है सर, आपने मुझे टॉपिक दे दिया, बहुत बहुत धन्यवाद ये कमेंट करने के लिए, और इस टॉपिक पर मैं वीडियो लाऊंगा कि न्यू ज्वाइन कैसे करें क्रिप्टो आने के बाद। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर, वीडियो आएगा तो देख लीजिएगा, और फिर से मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने मुझे टॉपिक दिया है, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बताऊँगा वीडियो में, ठीक है, डिटेल में बताऊँगा, चूँकि डिटेल में नहीं बता सकता हूँ, लंबा हो जाएगा वीडियो। बहुत बहुत शुक्रिया सर। फिर दोस्तों आगे बढ़ते हैं, हमारा जो कमेंट है वो है रोहित चौरसिया जी का, जो लिखते हैं कि सर हमें सब आपकी वीडियो में कमेंट करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा कि कंपनी को विड्रॉ का ऑप्शन लगा देना चाहिए, और आप कंपनी से बात करके बात बताइए सर, प्लीज सर कमेंट कीजिए। मैं तो प्रयास हमेशा करता हूँ कंपनी से बात करने का, और बोलता भी हूँ, आप लोग जो बोलते हैं, जो भी आप लोग राय विचार सजेशन देते हैं, मैं बताता हूँ आगे। अब भैया वो कंपनी को एक्शन लेना है, एक्शन लेती नहीं है, कहने के लिए तो मैं कहता ही हूँ। और चलिए आपने भरोसा मुझ पर जताया है, बहुत बहुत शुक्रिया, प्रयास मैं करता रहूँगा, बाकी सब कंपनी की मर्जी, ठीक है। तो बहुत बहुत शुक्रिया रोहित चौरसिया जी कमेंट करने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक दोस्तों आगे बढ़ते हैं, हमारा जो कमेंट हुआ है PN Bittu@ का, जो लिखते हैं कि सर जी मेरी आईडी गूगल से लॉगिन हो गई है तो मैं क्या करूं, और फिर लॉगिन नहीं हो रहा है। सर PN Bittu आपका लॉगिन और गूगल से हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस अपना पासवर्ड आप चेंज कर लीजिए, ठीक है। ऑलरेडी आपका लॉगिन है बिट्टू जी, लॉगिन है आपका, लॉग आउट कीजिएगा तब लॉगिन करने का ऑप्शन आएगा, ठीक है। तो लॉगिन है आपका, वहां से आप पासवर्ड चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और बाकी तो मगर आप वीडियो देख रहे हैं मेरा अभी तो, ठीक है, आप मेरे व्हाट्सएप पे संपर्क कीजिएगा, ठीक है, ओके। बहुत बहुत शुक्रिया आपका PN Bittu कमेंट करने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक दोस्तों आगे बढ़ते हैं, कमेंट हुआ आशीष राज जी का, जो लिखते हैं कि गिव मी लीगल डॉक्यूमेंट्स ऑफ दिस कंपनी। आशीष राज भाई
आप वेबसाइट खोलोगे ना 5billionsales.com का, वहीं पे आपको लीगल मिल जाएगा उसके बारे में डिटेल कि क्या है लीगलिटी। ठीक है, वैसे मैं वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ, वीडियो लाऊंगा इस पर कि लीगल कैसे है कंपनी, लीगल डॉक्यूमेंट इसका क्या है। ठीक है, वैसे इसका डॉक्यूमेंट वही मिलेगा आपको, वहाँ पे सारा डिटेल मिल जाएगा, इस वेबसाइट पे जाइएगा, सर्च कीजिएगा, पता चल जाएगा। ठीक है, वैसे मैं वीडियो लाऊंगा, देख लीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आशीष राज जी कमेंट करने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, कमेंट हो HS ऑटो जी का लिखते हैं कि यूट्यूब से पेमेंट कब आएगा आपको। सर बहुत जल्द उम्मीद है पेमेंट आने का, जो कि क्राइटेरिया उन्हें फुलफिल कर लिया है करीब करीब, और $95 के करीब में हो गया है। अभी $205 और बाकी है $100 पूरा होने में, तो समय लगेगा सर। अभी मतलब $100 कंप्लीट भी होता है तो प्रोसेस में नेक्स्ट मंथ में ही अब पैसे आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट मंथ में वही लास्ट मार्च में आ सकते हैं। देखिए जब आएगा तो मैं वीडियो तो ऑलरेडी बना ही दूंगा, ब्लॉग में डालूंगा पूरा एक्टिविटी, और डोंट वरी मैं आपको प्रोसेस में दिखा दूंगा कैसे क्या हुआ। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका HS ऑटो जी कमेंट करने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगला जो कमेंट है वो है ऑनलाइन अर्निंग जी का, जो लिखते हैं कि सर मेरा एक क्वेश्चन था कि मान लो कि मैं कीबोर्ड 91 से 1000 अर्न किया, तो क्या मुझे 1000 विदड्रॉ करने के लिए 1000 का क्रिप्टो बाय करके सेल करना पड़ेगा तभी मेरा विदड्रॉ होगा, बिना क्रिप्टो के विदड्रॉ नहीं होगा क्या? प्लीज सर वीडियो बनाइए। सर देखिए, अब क्रिप्टो देखिए, जो भी पैसा आप कमाइएगा ना कीबोर्ड 91 के थ्रू, तो वो क्रिप्टो में कन्वर्ट हो जाएगा, जो क्रिप्टो का वैल्यू होगा उसके अनुसार। तो यहाँ पे आपको फायदा भी हो सकता है, ऐसी बात नहीं है कि 1000 का 1000, ज़्यादा भी आपको मिल सकता है। अगर 1000 का आपका वहाँ पे दिखा रहा है कीबोर्ड 91 में आपका इनकम, तो जाहिर सी बात है अगर मान लीजिए कि एक क्रिप्टो का वैल्यू अगर $50 मतलब $0.5 भी है, तो आप $0.5 का मतलब समझ लीजिए कि $1 का ₹75, तो $0.5 का 35 × 70 यानी कि समझ लीजिए कि 33-32.5 रुपया। ठीक है, तो 32.5 रुपया है, तो उसके अनुसार से आप आंकड़ा लगा लीजिए कि अब कितना क्रिप्टो कॉइन होगा। अब जाहिर सी बात है क्रिप्टो कॉइन को सेल करने के टाइम हो सकता है इसका दाम बढ़ जाए, तो आपको जाहिर सी बात है 1000 रुपया ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है, समझ गए आप मेरी बात? ठीक है, तो बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पर कमेंट करने के लिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, हमारा जो कमेंट है वो है न्यू अर्निंग चैनल जी का, जो लिखते हैं कि मुकेश सर आपने यूट्यूब चैनल तो बना दिया, वीडियो कैसे बनाए और अपलोड कैसे करें जरा यह भी बता दे और उसका भी एक वीडियो बना दे, यही आभार है, आपका सारा वीडियो बहुत ही बढ़िया है, उसी तरह हमें भी सिखाए, रिक्वेस्ट सर संदीप पाटिल। बहुत बहुत शुक्रिया संदीप जी कमेंट करने के लिए। और रही बात की चैनल तो मैंने बना दिया है, अपलोड कैसे करें वीडियो को, तो ठीक है सर मैं बनाऊंगा, बहुत जल्द वीडियो लाने वाला हूँ। यूट्यूब पे गैप हो गया है, थोड़ा समय नहीं मिल पाता है सर, चूंकि अभी मोर 91 और 5 बिलियन में मैं थोड़ा सा ज़्यादा वीडियो इस पर लाया था, तो ठीक है ना, मतलब मन हो सकता है मंडे को मैं लाऊं कि कैसे वीडियो अपलोड करते हैं आपके जो टॉपिक है, तो देख लीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका संदीप पाटिल जी कमेंट करने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, हमारा कमेंट हुआ इमरान पठान जी का, जो लिखते हैं कि सर मोर 91 ऐप में जो कुरियर 91 ऑप्शन है उसमें डॉक्यूमेंट अपलोड करते समय वहाँ CSC डॉक्यूमेंट अपलोड बता रहा है, तो मेरे सवाल ये है कि CSC डॉक्यूमेंट क्या है और ये कहाँ से मिलेगा, और क्या इसके बिना हम कुरियर 91 पार्टनर नहीं बन सकते हैं? सर एक्चुअली मैं कुरियर 91 पे मैं उतना डिटेल में भी नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि सारा सिस्टम अभी अपडेट नहीं है। ठीक है, तो मैं इसके बारे में पता करके बताऊँगा, एक वीडियो ही बना दूंगा। ठीक है इमरान जी, अगर ये वीडियो आप मेरा देख रहे हैं तो बस मेरी वीडियो का इंतजार कीजिए, मैं वीडियो लाऊंगा कुरियर 91 पे क्या है CSC सब कुछ बता दूंगा। ठीक है, इंतजार कर लीजिए सर। बहुत बहुत शुक्रिया इमरान पठानी कमेंट करने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, हमारा कमेंट हुआ विकास उपाध्याय जी का, जो लिखते हैं कि सर जी आप आम लोगों की प्रॉब्लम पर इससे रिलेटेड वीडियो बना रहे हो जो बहुत ही सराहनीय है, थैंक यू सर। बहुत बहुत शुक्रिया विकास उपाध्याय जी, बहुत बहुत धन्यवाद कमेंट करने के लिए। इसी तरह कमेंट आप लोग करते हैं तो मेरा हौसला थोड़ा बढ़ता है, कॉन्फिडेंस लेवल हाई रहता है, मैं वीडियो बना पाता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, अगला कमेंट हुआ हमारे इंटरटेनमेंट जी का, जो लिखते हैं कि 30% टैक्स से कैसे बचे सर, कितना ही पैसा कमाओ 30% टैक्स लगेगा तो बहुत नुकसान होगा। अच्छा ये पॉलिसी बना है, गवर्नमेंट ने बनाया है पॉलिसी, तो भाई मैं क्या कर सकता हूँ और इसमें क्या आपको ट्रिक बताऊंगा, क्या आपको मैं यहाँ पे कुछ रास्ता दूंगा, क्योंकि गवर्नमेंट का चीज़ है यार, इसमें तो कोई कुछ नहीं कर सकता है, गवर्नमेंट के खिलाफ जाएंगे यार, समझ में नहीं क्या हो जाएगा, क्या बताएं। तो सर वो तो देना ही पड़ेगा, कोई उपाय ही नहीं है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमारी कमेंट करने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगला कमेंट हुआ मोर 91 डिजिटल दुनिया जी का है, जो लिखते हैं कि जैसा कि पिछली वीडियोज में आपने बताया था कि हमारा डाटा अलग अलग कंपनियों को बेचा जाता है, तो हमारी मर्जी के खिलाफ
अब आते हैं पॉइंट पर, 5 बिलियन सेल में जब हम काम करेंगे तो क्या 5 बिलियन सेल कंपनी के अलावा हमारा डाटा कोई और नहीं बेच पाएगा? जी नहीं बेच पाएगा सर, क्योंकि हम परमिशन सिर्फ 5 बिलियन को दे रहे हैं। हो गया है डिसेंट्रलाइज, हो गया है सारा चीज, यानी बिना परमिशन के आपको मेरा डेटा नहीं बेच सकता है, तो हम 5 बिलियन को परमिशन देंगे तब वो बेचेगा, ठीक है। इसलिए दोस्तों बहुत सारी कंपनियों को लॉस होना शुरू हो गया है, मतलब प्रॉफिट जो होता था उससे कम पैसा आना शुरू हो गया, क्योंकि डिसेंट्रलाइज से अब उसको परमिशन मिलेगा तभी ना वो डाटा बेच पाएगा, लेकिन ये 5 बिलियन सिर्फ ही बेचेगा। अगर हम दूसरे कंपनी को परमिशन देंगे तो वो भी बेचेगा, बात समझ रहे हैं। हमारा डाटा तो बेचा जा चुका है, फिर हमारा डाटा 5 बिलियन सेल से कौन खरीदेगा? सर आपका डाटा एक बार नहीं बिकता है, कई बार बिकता है, अभी भी बिक ही रहा होगा, ठीक है ना, अलग अलग चीज ले रहा होगा, ऐसा आप समझ कि एक बार बिक गया नहीं, हमेशा बिकता है, हमेशा बिकते रहता है, अभी भी बिक रहा होगा, आप वीडियो बनाने हो सकते मेरा भी डाटा अभी बिक रहा हो, समझ रहे ना जी। और मान लो कि किसी कंपनी ने 5 बिलियन सेल कंपनी में डाटा खरीद लिया, और रही बात की कस्टमर ये बनाए हुए हैं, चिंता नहीं करना है, डाटा जो खरीदने वाला कस्टमर ऑलरेडी बन चुका है दोस्त। कभी भी कोई कंपनी लॉन्च होता है तो अपना मार्केट वो बना के रहता है, बनाता है उसके बाद ही लॉन्च होता है, बात समझ रहे ना, क्योंकि वो जानता है कि खरीदने वाला नहीं जाएगा तो हम किसको बेचेंगे भाई, ठीक है, वो सारा कुछ बनाए हुए है, चिंता नहीं कीजिए। मान लो किसी कंपनी ने 5 बिलियन सेल कंपनी से हमारा डाटा खरीद लिया तो कंपनी हमें ईयरली मंथली डेली कैसे पैसा देगी? सही है, डेली पैसा देगी, ठीक है, पैसा डेली बेसिस पे देगी। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कमेंट करने के लिए, मोर 91 डिजिटल दुनिया जी, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगला जो कमेंट है वो देखिए, यहाँ पर रोहित चौरसिया जी का जो लिखते हैं कि सर अगर हमारे अकाउंट में बैलेंस नहीं होगा तो मोर 91 रिचार्ज नहीं हो पाएगा सर, बताओ सर। जी हाँ सर, नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको पता ही है कि आपका वॉलेट से जो पैसा कटता है वो 40% ही कटता है, तो जाहिर बात 60% तो देना ही पड़ेगा, समझ के बात, तो ये तो पहले ही से ये ऐसा तो है, नया नहीं है, तो समझ लीजिए कन्फ्यूजन को खत्म कर दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका रोहित चौरसिया जी कमेंट करने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, अगला जो कमेंट है वो है दीपक कुमार जी का, जो लिखते हैं कि जी सर बताओ कौन स्कूटी गार्ड करना पड़ेगा पैसा देने के लिए तैयार, पैसा देने के लिए तैयार हूँ। सर मैंने वीडियो बना दिया उस पर, आप देख लीजिएगा, नॉर्टन नाम है उसका, नॉर्टन 360, आप देख लीजिएगा, मैंने वीडियो ऑलरेडी बना चुका है इसके ऊपर, ठीक है, आपने देख भी लिया होगा। दर्शन जी भी पूछ रहे हैं कि सुरक्षा गार्ड, तो भैया सुरक्षा गार्ड सही में, सुरक्षा गार्ड तो मैंने बता दिया है, वीडियो देख लीजिएगा, नॉर्टन 360 करके एंट्री वायरस है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का कमेंट करने के लिए। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगला जो कमेंट है ये देख लीजिए विकास उपाध्याय जी का, जो लिखते हैं कि वेरी नाइस एंड एजुकेशनल थॉट वी हैव नो टुडे इन इजली वे। जी वेरी थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया विकास जी, और ऐसे ही कमेंट आप लोग करते रहिए, काफ़ी अच्छा आपने कमेंट यहाँ पे किया है, वेरी नाइस एंड एजुकेशनल थॉट। तो सर मेरा तो हमेशा यही है कि हमेशा नाइस थॉट ही मैं रखता हूँ, एजुकेशनल जैसी बात है, पढ़ता हूँ, सीखता हूँ, जानकारी लेता हूँ, तभी एजुकेशनल विचार आते हैं मन में, ठीक है। और नो वी हैव नो टुडे इन इजली वे, बहुत बहुत शुक्रिया कि मैं आपको इजी वे से बताया हूँ इन चीज़ों को और आपने उसको ग्रहण किया है, बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये दोस्तों आगे बढ़ते हैं, आगे हैं रवि गुप्ता जी हैं जो लिखते हैं कि पहले चालू तो हो जाए, क्या पता है कि चालू होगा कि नहीं, जा लाइफ स्टाइल की तरह। सर ये बोल रहे हैं एक्चुअली 5 बिलियन के बारे में, जो 23 फरवरी को लॉन्च होने वाला है, ये बोल रहे हैं कि एक कंपनी था जा लाइफ जिसके बारे में ये बोल रहे हैं कि उसके जैसा कहीं ना हो, हमेशा बोलता है कि अब चालू होगा, अब चालू होगा। तो रवि गुप्ता जी मैं बता दूं भैया कि जाल लाइफ जो है आपसे 1500 रुपया ले लिया होगा, लेकिन यहाँ तो फ्री फोकट में है भैया, है ना, तो क्या दिक्कत है, 1500 रुपया आपने दे दिया होगा, मुझे लगता है कि ऐसा लग रहा है कि आपने जाल लाइफ स्टाइल को दे दिया 1500, क्या कीजिएगा सर, लेकिन ये तो फ्री है ना, तो इतना टेंशन नहीं लीजिए सर। बहुत बहुत शुक्रिया रवि गुप्ता जी कमेंट करने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, जो कमेंट हुआ रविंद्र राज जी का, जो लिखते हैं कि सर एक्टिव और इनएक्टिव कैसे होता है 5 मिलियन में। सर कल मैं वीडियो लाने वाला हूँ इस पर, ठीक है, एक्टिव और इनएक्टिव के बारे में बताने वाला हूँ, तो कल का वीडियो देख लीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका रविंद्र राज जी कमेंट करने के लिए। और रोहित कुमार शर्मा जी हैं जो लिखते हैं कि सर आज मैं तो VPN यूज कर रहा हूँ था, फ्री फायर नहीं चल रहा था इसलिए। देखिए सर मैंने बताया उसमें कि अगर VPN आप यूज कीजिएगा तो 5 बिलियन से लॉग आउट हो जाइए, लॉग आउट होने के बाद आप आराम से VPN यूज कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, लेकिन जब तक लॉगिन है VPN यूज नहीं कीजिएगा, बस इतनी सी मेरी गुजारिश है सर, समझ गए। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का कमेंट करने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर तो आगे बढ़ते हैं, हमारा जो कमेंट है रोहित कुमार शर्मा जी का, जो लिखते हैं कि सर मेरा ट्विटर नहीं है क्या करें, और एयर ड्रॉप का क्या करें। रोहित कुमार जी ने बोला है कि ट्विटर नहीं है, तो सर ट्विटर बना लीजिए, क्या प्रॉब्लम है, ट्विटर अकाउंट तो आप जैसे इंस्टाग्राम बनाओ, फेसबुक बनाओ, ट्विटर भी आराम से बन जाएगा, तो बना लीजिए ट्विटर, क्या दिक्कत है। और राधेश श्याम जी ने बोला है कि एयर ड्रॉप का क्या करें।
सर एयर ड्रॉप का क्या कीजिएगा, एयर ड्रॉप में आपको जो क्वाइन मिलेगा उसको आप सेल कर सकते हैं, उसको ट्रेडिंग कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, फ्री में क्वाइन मिलेगा तो और क्या, उससे जो बेचिएगा उससे पैसा मिलेगा, उसको रखिएगा। थोड़ा सा लेट है, थोड़ा सा समय लग रहा है, मार्च अप्रैल में ये काम होगा, लेकिन जो एयर ड्रॉप में मिलेगा उसको रखा रख लीजिएगा, आपको क्वाइन मिलने वाला है भैया, समझ गए, तो उसको आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का सर कमेंट करने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अगला जो कमेंट है दोस्तों वो है बादल कुमार जी का, जो मैं ट्विटर नहीं चलाता हूँ, तो चलाना शुरू कर दीजिए बादल जी। अगर आप डिजिटल दुनिया में जी रहे हैं और डिजिटल दुनिया में पैसे कमा रहे हैं तो ट्विटर भी रखिए, क्या प्रॉब्लम है, आराम से अकाउंट बन जाता है। अब आपको अकाउंट बनाने आता है कि नहीं आता है, तो नहीं आता तो बोलिए, कमेंट कीजिए, मैं बताऊंगा वीडियो, क्योंकि भैया मैं तो आप ही के लिए हूं, आप जो चाह रहे हैं हमसे वीडियो बना लीजिए, आपको जो नॉलेज देना है मुझसे ले लीजिए, समझ गए। कमेंट कीजिए, शुक्रिया बादल जी कमेंट करने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो दोस्तों कमेंट का सिलसिला यहीं पे समाप्त होता है, मैंने आपके सारे कमेंट को पढ़ दिया, और दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज बताइएगा, जरूर कमेंट जरूर कीजिएगा, और दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक भी दीजिएगा, और दोस्तों ऐसे ही वीडियो प्राप्त करने के लिए भैया आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको इसी प्रकार से यहाँ वीडियो मिलते रहेगा डेली, समझ गए। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे इस वीडियो को समाप्त करते हैं, फिर मिलेगा अगले वीडियो में, लेकिन शेयर करना नहीं भूलिएगा, ठीक है, मैं बार बार बोलता हूँ आप सभी लोगों को। तो चलिए अब यहाँ पे इस वीडियो को समाप्त करते हैं, फिर मिलेगा अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, एक नई ऊर्जा के साथ, तो इस वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय कीबोर्ड 91, जय यूट्यूब।